نحمد و نصلي مصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم बातें तोहीद के मतवालों समय रिसालत के परवानों गौस व ख्वाजा के दीवानों औलियाए उम्मत के तलबगारों सौदाए मिल्लत के जानिसारों और माए कराम सादात कराम मेरे दोस्त व बुजुर्गों मेरे उम्र साथियों अस्सलाम अलैकुम। हमारे खतीब इमाम सुन्नी मीना दातार मस्जिद के हाजी मुस्तक बाबू किबला और हमारे खादी में मीना दातार दरगाह जावेद बाबू किबला और हमारे हुसैन साहब दातारी और जितने लोग हमारे प्रमुख साहब नूर मोहम्मद भाई किबला अल्लाह इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए और जितने लोग दूर दराज सुनने के लिए आते हैं अल्लाह इन सब की जायज तमन्ना पूरी अता फरमाए। आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहमद रजा रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में यूं अर्ज करते हैं, दिल करो ठंडा मेरा ओ कफे पाचांद सा, दिल करो ठंडा मेरा ओ कफे पाचांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरोद। और आला हजरत अजीम बरकत आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम रिज़्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम रिज़्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरोद। और आला हजरत की कलम चलती है, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो बला, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो बला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ दरोद कब सुभान। वो आका रहमतिल आलमीन की बचपने की एक दो बातें, ताकि हजरत दाए हलीमा की गवाही है कि मैं जब अपने गांव से लेकर रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे थे और एक औरत को रोता हुआ देखा, जानो कतार रो रही है, तो दाया हलीमा ने कहा, बहन रोने का सबब क्या है? तो वो औरत कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? का मुझे लोग दाए हलीमा कहते हैं। तो कहा, बहन दाए हलीमा बात यह है कि सामने जो कुआ है कुआ का हां कहा, उस कुएं में जब मुझे प्यास लगी, मेरे बच्चे को प्यास लगी, तो मैं करीब गई और जैसे ही पानी भरना चाहती थी मेरा बेटा फिसल गया और पानी के अंदर चला गया, इस कुएं के अंदर चला गया। अब मुझे तैरते तो आता नहीं कि मैं उसे बचा सकूं, अब ये डूब गया है, रो रहा है, कसम खुदा की। जब ये बात हुई तो दाई हलीमा ने कहा, बहन घबरा नहीं, ये मेरा बच्चा है, अभी तेरे बच्चे को निकाल देगा। वो कहती, ये बच्चा छोटा है, अंदर कैसे जाएगा? कसम खुदा की, कहा बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत का बच्चा इस पानी के अंदर चला गया, कुएं के अंदर जा गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए कुएं के पास और अपना लोहे में तैन डाल दिया, कसम खुदा की पानी तो बाहर आ गया, वो बच्चा भी बाहर आ गया। ये हुसैन भाई हसन भाई की याद ताजा करते, जब भी मैं कब्र साजा पहले उनके नाम का फातर और नारा कब्र अभी फातिया पर कहला, इसलिए कि हमारे बुआ मरहूम दीन मामद भाई
का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने जन्नत आला से मकाम अता करवाया। दो रोज पहले ही मैं गया दम करने के लिए, तो मुझे कहा कि मेरे पैर में दर्द होता है, दम करो और मैं चलकर अली बिन मस्जिद में जान पड़ने जाऊं। कबर सुभान अल्लाह। जज्बा देखिए, नमाज आखिर बात कही तो नमाज की, कैसा दम करो कि मैं अली बिन मस्जिद जाऊं फिर से नमाज। यह जज्बा, यह जज्बा तो बताना ये कि लोहे में देन डाला वो बच्चा बाहर आ गया। अब ये लोहे में देन सुनिए, इसलिए कि आप तकरीरें बहुत सुनते हैं, मेरे गोश पाक की बात भी सुनिए। पीरों के पीर रोशन जमीर गौसे आजम दस्तगीर, जो मुर्दे को जिंदा करे, जिंदे को मुर्दा करे, बे औलाद को औलाद अता फरमाए, कोरे को शिफा अता फरमाए, ना बिना को आंख अता फरमाए। और वो गौस पाक जब तकरीर करते, एक रिवायत में है तारे तारीख करबला तुम पढ़ो या सादे करबला पढ़ो, करामत करबला तो ठीक, सादे गौसे आजम पढ़ो और करामत गौसे आजम पढ़ो तो मेरे गौस पाक दस्तगीर आजम का जिक्र आता के जब गौस पाक तकरीर करते और तकरीर के दरमियान एक निगाह लोगों पर डालते, जो करीब 400 आदमी होते निगाह डालते, अल्लाह के वली बना जाकर और कभी इतना फेद मेरे गौस पाक की निगाह का करम होता कि एक निगाह डालते पे फिर पे 4000 को वली बना दिया करते थे। जब पूछा गया सरकार इतना फेद, इतने कमाल वाले, इतने बरकत वाले क्यों हुए, अरे काम मैं तो बैठा हुआ था मुसल्ले पर और जन्नत के मालिक, भोजन पोषण के मालिक, तमाम नबियों के इमाम मेरे पास आए और कहा बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता है, आज की नानाजात में अजमी हो। तो कहा मुंह खोल, एक बार लोहे में तेल डाला, दो बार डाला, तीन बार डाला, चार बार डाला, पांच बार डाला, छह बार और सात बार डाला। अब मेरे गौस पाक में वो करामत, आवाज में वो बरकत के जो पहली सब पलस सुनता, पहला इंसान सुनता, शेख अली सुनते थे, आखिर में 3000 आखिरी वाला तब भी सुन लिया करता था। कबर सुभान अल्लाह। और कहा 7 बार लोबे देन मेरे नाना जान ने मुझे अपने लोबे देन पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 इल्मे लदुने के दरवाजे खोल दिए। कबर सुभान अल्लाह। 3 इल्मे लदुने के दरवाजे खोल दिए और ये दुरूद शरीफ अल्लाह पर सलाम। सलात व सलाम अली का या रसूल अल्लाह, यही लोहे में देन है कि मौलाए कायनात मौलानी मुश्किल गुस्सा की आंखों में लगा दिया तो आंख दुरुस्त हो गए। हजरत हबीब की दोनों आंखें चली गई थी, उनके अब्बाए रोने लगे, कहा आका मेरा ये नौजवान बेटा अंधा हो गया, साहब ने काट लिया तो मेरे आका ने अपना लोहे में देन लगा दिया तो हजरत हबीब की आंखें दुरुस्त हो गए। कहो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर के खाने में लोहे देन डाल दिया तो खाने में बरकत हो गई। कबर सुभान अल्लाह। अब ये लोहे देन शेर की बातें सुनाओ बड़ी है दुरूद शरीफ अल्लाह पर सलाम। ऐसे भी अल्लाह के वली गुजरे जो शेर पर सवार होते, क्या है शेर पर सवार होते, एक नाम आता है अहमद जामी का, दूसरा नाम